हेलो स्टूडेंट्स, एमसीसी की वहाँ राउंड काउंसलिंग की आज रिपोर्टिंग का लास्ट डे है। उसके बाद एमसीसी की स्टे राउंड काउंसलिंग जो इंस्टीट्यूशनल लेवल काउंसलिंग होती है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सर हमारी जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट हम लोगों ने काउंसलिंग के टाइम पर जमा किया था रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट हमको कब तक रिफंड मिलेगा। दूसरा स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने साइबर कैफे से पेमेंट यहाँ पे किया था, साइबर कैफे पे जाकर काउंसलिंग का फॉर्म भरा और साइबर कैफे वाले से ही अपना पेमेंट कराया, तो उनको रिफंडेबल अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट कब तक मिलेगा, क्या उनका रिफंडेबल अमाउंट किसको मिलेगा, तो इस सारे डाउट्स थे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर बात करें कि एमसीसी की जैसे ही काउंसलिंग सारी खत्म हो जाती है, एमसीसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिलीज करती है, साथ ही साथ उनकी रिफंड किस अकाउंट में जाने वाला है वो अकाउंट यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे पब्लिश की जाती है। मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स के जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था, यहाँ पे एमसीसी के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा है। मान लीजिए कि आपने ये कोई अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर से आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट की थी या फिर किसी कार्ड से आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट की थी जिस कार्ड का मान लीजिए नंबर ये है, तो उसी कार्ड्स में या फिर उसी नेट बैंकिंग में या फिर उसी अकाउंट में आपकी जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने अपने अकाउंट से पेमेंट किया है अब आप चाहते हैं कि किसी मेरे फादर के अकाउंट में रिफंड हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपके खुद के अकाउंट में जो है जिस अकाउंट से आप लोगों ने सिक्योरिटी अमाउंट पे की थी, रिफंड आपका उसी अकाउंट में कर दिया जाएगा। एक लिस्ट पूरा एमसीसी पब्लिश करता है, जिस लिस्ट के पब्लिश होने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी अमाउंट आपकी रिफंड यहां पे हो जाती है। उसके बाद जिस जिसके अकाउंट में सिक्योरिटी रिफंड जा चुकी होती है उसकी भी लिस्ट यहां पे एमसीसी पब्लिश करता है। सेकंड पॉइंट आपको मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जनवरी के लास्ट तक आप लोगों को सिक्योरिटी अमाउंट जो रिफंडेबल है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि साइबर कैफे से आप जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट किया था उनके सिक्योरिटी अमाउंट कब रिफंड होगी, तो जैसे कि मैंने बताया कि एमसीसी पूरी रिफंड डिटेल पब्लिश करता है, अगर आपका उसमें नाम होगा तो उसमें जिस साइबर कैफे से आपने पेमेंट किया होगा साइबर कैफे का अकाउंट नंबर भी उसके पास होगा और आपका जो रिफंडेबल अमाउंट जब हो जाएगा तो आपका लिस्ट भी पब्लिश होगा, तो आप उस साइबर कैफे वाले के पास जाके अपना जो अमाउंट है आप वापस ले सकते हैं जो आपने उसको दिया होगा जब उसने अपने अकाउंट से सिक्योरिटी पेमेंट फीस की होगी। तो जिस अकाउंट से सिक्योरिटी फीस पे होती है उसी अकाउंट में सिक्योरिटी यहाँ पे रिफंड जाती है। ये एक अपडेट था, इसके रिगार्डिंग फॉर भी कोई अपडेट्स मिलेंगे तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे।